नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने आपके अपने प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है डिजिटल किसान। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक मुहिम है डीडी किसान की, जिसका उद्देश्य है देश के किसानों को डिजिटल साक्षर बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में तीन सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, जिसमें बात होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में हमने अब तक आपको भीम यूपीआई ऐप और एसबीआई योनो ऐप की पूरी जानकारी दी। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ऐप से रिलेटेड हमारे किसान भाई बहनों के जो सवाल थे, उनके सवालों का जवाब भी हमने अपने एक्सपर्ट से जाना। आज डिजिटल पाठशाला में हम शुरुआत कर रहे हैं ईनैम पोर्टल की। क्या है ये पोर्टल और किस तरह हमारे देश के किसान इस पोर्टल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, ये तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, आज हम बात कर रहे हैं ईनैम पोर्टल की। तो सबसे पहला सवाल, क्या है ईनैम पोर्टल? देखिए, ईनैम पोर्टल एक तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन व्यापार है, ऑनलाइन किसानों के लिए एक हेल्पफुल है। इसके अंदर ईनैम पोर्टल में जो किसान है वो भारत के किसी भी कोने में बैठकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, अपनी फसल की बिडिंग लगा सकते हैं, अपनी क्रॉप को वो बेच सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर दूसरे भारत के दूसरे राज्यों में उनको अपनी क्रॉप का अच्छा दाम मिल रहा है तो वहां पर वो बिडिंग के जरिए अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ईनैम जो है वो किसानों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर वो अपनी क्रॉप को बिडिंग लगाकर बेच सकते हैं और भारत के किसी भी कोने में वो अपनी इस बिडिंग को लगा सकते हैं और अपने माल को बेच सकते हैं। बिल्कुल, अपने माल को बेच सकते हैं वो, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर? देखिए, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास एपीएमसी मंडीज हैं। उन सब मंडीज को इस पोर्टल के जरिए कनेक्ट किया गया है। तो अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास जो मंडीज हैं सभी कनेक्टेड हैं। तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत एक इतना वर्सेटाइल देश है जहां पर आपको हर एरिया में अलग अलग दाम, हर एक क्रॉप के दाम मिलते हैं। तो किसानों को कई बार अपने माल का जो दाम होता है अपने एरिया में ना मिलकर कहीं और उसको अच्छा दाम मिलता है। तो ये किसानों की एक जो उनको अच्छी फसल के अच्छे दाम दिलाने के लिए है उसकी तरफ एक जोर है, जहां पर हमने देखा है कि अपने माननीय मोदी जी ने कहा था कि जो किसानों की डबल इनकम है वो यहाँ पर उसके मद्देनजर ये स्टेप उठाया गया है जहां पर किसानों को अपनी क्रॉप का अच्छा दाम मिल सके। तो इसके जरिए किसान अपनी क्रॉप को भारत के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। हालांकि इसके अंदर 1000 जो मंडियां हैं, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास मंडियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो किसान अब अपने माल को इस पोर्टल के जरिए किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि किसानों को एक तो अच्छा दाम मिल सके और टाइम पर उनका जो क्रॉप है वो बिक सके। बिल्कुल, तो अच्छा दाम तो यहाँ पे किसानों को मिल जाता है क्योंकि पूरा देश वो कवर कर सकते हैं, सारे देश में वो जिस भी मंडी में चाहे अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन अगर इसके और फायदों की बात करें तो वो क्या कुछ हो सकते हैं? किसान अपने क्रॉप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी क्रॉप की फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, खुद रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अपनी क्रॉप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो ऑनलाइन पेमेंट की है, किसान अगर इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो इनकी जो पेमेंट है वो तुरंत उनके अकाउंट में आती है, जहां पर अगर हम पहले की बात करें तो किसानों को वेट करना पड़ता था, उनको समय लगता था पेमेंट आने में। तो यहां पर अगर वो उनकी क्रॉप बिकती है तो उनकी जो पेमेंट है वो जो उनके लिए मेन चीज है वो उनकी ऑनलाइन अकाउंट में भी आती है। तो तुरंत माल बिकता है और तुरंत पेमेंट अकाउंट में आती है। तो ये सबसे बड़ा एक किसानों के लिए फायदेमंद है जहां पर किसान अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं और तुरंत उसकी पेमेंट को ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या? देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अगर ये ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ईनैम लिखेंगे तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत छोटी ऐप है, ज़्यादा स्पेस लेती भी नहीं है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो किसान है वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद किसान अपना पूरा प्रोफाइल उसमें डाल सकते हैं। पूरे प्रोफाइल के बाद किसान जो है अपनी क्रॉप, जिन जिन क्रॉप में वो डील कर रहा है, ऑलमोस्ट अगर देखें तो करीबन 175 के आसपास की क्रॉप है
अगर वो सब्जियों में ट्रेड कर रहा है या दालों में ट्रेड कर रहा है या अनाज में व्यापार कर रहा है या वो किसी और एग्रीकल्चर कमोडिटी में क्या किसान है, तो वो उसमें अपने को रजिस्टर करा सकता है। तो उसके बाद वो जिस तरीके से वो क्रॉप लेके जाना चाहता है वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकता है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक डिटेल अपनी वो उसमें डाल सकता है। उस डिटेल को डालने के बाद अपनी वो फाइनली एक प्राइस कोट कर सकता है कि वो अपना माल कितने में बेचने को रेडी है। तो जब वो अपने प्राइस को कोट करेगा, तो जैसे ही वो प्राइस को कोट करेगा तो उसकी ऑनलाइन बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस ऑनलाइन बिडिंग को जो भी खरीदार खरीदेगा तो उनका जो माल है वो बिक जाएगा और उसके बाद वो उस माल को डिलीवर कर सकता है। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भाषाओं की बात करें तो क्या सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही मौजूद है? रीजनल भाषा भी इसमें दी गई है इन नेम पोर्टल में? देखिए इसमें रीजनल भाषा भी है जनरली, मगर हम देखें तो हिंदी और इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, मगर उसके अलावा आपके पास रीजनल लैंग्वेज भी है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर अनु जी फीचर्स की बात की जाए तो क्या कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं? देखिए एक तो इसमें पंजीकरण का इशू है, पंजीकरण का फीचर है जिसको आप पंजीकरण मीन्स आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो एक पोर्टल है वो है आपका ट्रेडिंग का, मीन्स आप जो बिडिंग कर सकते हैं उसका आपके पास फीचर है। तीसरा फीचर है इसमें एक रिपोर्ट्स का, जिसमें जाकर आपने जो भी तमाम पीछे रिपोर्ट्स करी है, फिर आपने जो भी ट्रेड किया है उसकी पूरी डिटेल उसमें आती है। वो एक सबसे बड़ा एक आइकॉन है, एक सबसे बड़ा जो लिंक है वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो चौथा लिंक है उसमें आपकी पेमेंट के रिगार्डिंग लिंक है, जहाँ पर आप अपने बैंक का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। जी तो ये कुछ बेसिक लिंक्स हैं जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लिंक्स हैं ये काफ़ी इनफ हैं, जो कि एक किसान के लिए अपनी बिडिंग को करने के लिए, अपनी रिपोर्ट्स को देखने जी के लिए, और साथ में जिन्होंने बिडिंग करी है उसका भी वो देख सकते हैं कि उनका बिडिंग का क्या स्टेटस है, वो भी वहां पर वो देख सकते हैं। जी अनुज जी, आपने बात की कमोडिटी की, तो कमोडिटी के अंदर क्या कुछ शामिल है इसमें? देखिए इस कमोडिटी के अंदर आपके अनाज शामिल हैं, सब्जियां इसमें शामिल हैं, जी और उसके अंदर मसाले इसमें शामिल हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी, जैसे कि करीबन 175 के आसपास कमोडिटी शामिल हैं, तो अगर आप देखेंगे तो सारी जो सब्जियां हैं या मसाले हैं या फिर अनाज हैं सभी इसके अंदर लिस्टेड हैं। आप इसमें मैक्सिमम जितने भी लिस्टेड, जितनी भी कमोडिटी भारत के अंदर पैदा होती हैं सभी इसके अंदर लिस्टेड हैं। और अगर कोई लिस्टेड नहीं भी है तो भी आप उसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक फीचर दिया है कि जिसमें अगर आपके पास कोई ऐसी कमोडिटी है जो उसमें मेंशन नहीं है तो वो भी आप उसमें लिस्ट करके उसको बिडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बात की अनुज जी मंडियों की कि ज्यादातर मंडियां इसमें शामिल है, तो जो मंडियां शामिल की गई हैं उनके लिए कुछ अलग से औपचारिकताएं तय की गई हैं कि कौन सी मंडी कब इसमें इन होगी? देखिए ऐसा कोई औपचारिकता नहीं है। अगर आप एपीएमसी के अंडर में है, एपीएमसी एक्ट के अंडर में अगर आपकी मंडी आती है तो उसको आप रजिस्टर वहां पे करा सकते हैं। अगर बात की जाए सरकार के कदम की, तो क्या कुछ कदम वो उठा रही है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा पाए और ज्यादा से ज्यादा किसान ई नैम पोर्टल से जुड़े? देखिए ई नैम पोर्टल, जैसा कि हमने देखा है कि इस बार काफ़ी मंडियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, काफ़ी किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है कि उनकी जो क्रॉप है वो बिक जाए, इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी इसमें दी है। अगर कोई किसान के पास लॉजिस्टिक का इशू है, उसके पास ट्रक नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो इस ऐप के जरिए भी अपनी ट्रक और जो गाड़ी है उसको यूज़ को बुला सकता है, उनसे हेल्प ले सकता है। तो जो हेल्प कार्ड है, जो इनके यहाँ पर हेल्प की सेवा है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर किसान माल के साथ साथ लॉजिस्टिक की सेवा, जिसके इसको अगर उसको ट्रक चाहिए या गाड़ी चाहिए तो वो यहां से हेल्प ले सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी पूरी जोर कर रही है कि किसान इसको यूज करें, चाहे वो क्रॉप बेचने से रिलेटेड हो, चाहे लॉजिस्टिक से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड हो। तो जो भी इशू है किसान के वो सब यहाँ पर जो सरकार है वो सॉल्व करने में लगी हुई है, और उसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर ये पोर्टल भी चालू किया और हेल्पलाइन भी इसकी चालू करी है। ईनेम पोर्टल जो है वो वाकई किसानों को सहूलियत देता है ना, उससे सिर्फ आपको एक पूरा देश की मंडियों से जुड़ने का मौका वो आपको दे रहा है, साथ ही जो आपका समय था जो आप इधर उधर घूम के पहले मंडियों में वेस्ट होता था उसकी भी बचत हो रही है, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगता था उसकी भी बचत हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं इस ईनेम पोर्टल से जुड़कर। ईनेम पोर्टल में अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, इसलिए इस पर आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जिसमें आज बात होगी शेयर मार्केट की। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है अर्थनीति। हमने अब तक आपको जानकारी दी कमोडिटी ट्रेडिंग की, और अब बारी है शेयर मार्केट के बारे में जानने की। तो समझते हैं अपने एक्सपर्ट अनुज जी से, क्या है शेयर मार्केट और कैसे यहाँ ट्रेडिंग की जाती है। तो अनुज जी, सबसे पहले यही कि शेयर मार्केट क्या है उसको समझ लिया जाए। देखिए, शेयर मार्केट जो है बेसिकली जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग है। ये एक तरीका है कंपनियों को पैसा मार्केट से उठाने के लिए, जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को जारी करती है और जो निवेशक होते हैं उनके शेयर्स में पैसा लगाते हैं, और फिर जब उन शेयर्स का मार्केट में व्यापार होता है, मार्केट में ट्रेड होता है, तो उनकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, तो उससे जो शेयर होल्डर है वो फायदा उठाते हैं और उससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो बेसिकली जो शेयर मार्केट है वो एक तरीका है जहां पर कंपनी अपने शेयर जारी करके, शेयर मतलब कंपनी अपने हिस्सों को जारी करती है और हिस्सों की एक वैल्यू लगाती है, फिर उन हिस्सों को जो निवेशक है वो परचेज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर। तो जो शेयर है वो कंपनी जारी करती है और फिर निवेशक उसमें पैसा लगाकर उसकी बढ़त और घटत से फायदा उठाते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने इससे पहले कमोडिटी ट्रेडिंग भी समझा था, तो कमोडिटी और शेयर मार्केट में क्या कुछ डिफरेंस है? कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट में फर्क बहुत बड़ा है। कमोडिटी मार्केट में हम जींसों का व्यापार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कमोडिटी जो है एक देखने वाली चीज है, उसको आप छू सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप कैरी कर सकते हैं, जबकि शेयर्स को हम कैरी नहीं कर सकते। शेयर एक हिस्सा होता है कंपनी का, जिसको हम अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। पहले के समय में शेयर जो थे वो फिजिकल फॉर्म में जारी होते थे, एक पेपर पे बॉन्ड की तरह जारी होते थे, मगर अब जो शेयर्स हैं वो एक डीमैट फॉर्म में क्लाइंट के अकाउंट में आते हैं। किसान भाई बहन है, अगर वो शेयर मार्केट में आना चाहे तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में कोई भी इसमें आ सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी आ सकता है। भारत का कोई भी आदमी जो भारत का जिसके पास नागरिकता है वो इसमें व्यापार कर सकता है। इवन अगर आप फॉरेन कंट्री से भी हैं तो भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके इसके लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट ओपन होता है, और उसके बाद फिर आपके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, जिसको हम बोलते हैं शेयर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। वो आप सेबी रजिस्टर्ड किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप उन में वहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में ले सकते हैं। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 5,000 के आसपास कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो आपको जो आज कंपनी अच्छी लगती है उसके शेयर को परचेज कर आपको लगता है कि इसका जो शेयर का भाव है ऊपर जाने वाला है, तो आप उस शेयर कंपनी का शेयर परचेज करके उसके घड़त बढ़त से फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चे इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो इसमें जो एज है वो 18 साल तक इसमें होनी चाहिए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक आपका फोटोग्राफ चाहिए। तो ये सब तीनों डॉक्यूमेंट जो है ये होने चाहिए, और इन तीनों डॉक्यूमेंट से आपका एक केवाईसी होता है, नो योर क्लाइंट। उस केवाईसी को पूरा करने के बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। शेयर मार्केट में जब कोई इंसान एंटर करता है तो वो क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी बेहद जरूरी होती हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो कि यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड के चांस काफी हो जाते हैं। क्योंकि पैसे का लेन देन है, तो आदमी को सबसे पहले तो जो भी वो पैसे का लेन देन करे उसका रिकॉर्ड उसको रखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, वो जहां पर भी अकाउंट ओपन कराता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। आप उस ब्रोकर का नाम, उस ब्रोकर की डिटेल सेबी की वेबसाइट से या आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सेबी की वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर आप उस ब्रोकर की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसे NSE या BSE, MCX या NCDX, तो उन एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उस ब्रोकर की डिटेल होती है, तो वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि आपको जब KYC करें
तो आप उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एड्रेस आप उसमें बिल्कुल सही डालें, क्योंकि जब भी कोई डिटेल अगर आपको कोई पत्राचार करनी है, कोई आपको डॉक्यूमेंट भेजना है या आपके पास कोई लेटर आना है तो टाइम पर आपके पास आए, तो आपका अगर मोबाइल नंबर ऐड होगा तो तुरंत, क्योंकि जो भी एक्सचेंजेस हैं वो एसएमएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो तुरंत 24 आवर्स में आपके पास वो एसएमएस आएगा, तो बिल्कुल अगर आपका मोबाइल नंबर सही होगा तो आपके पास तुरंत उसका अपडेट आएगा। ईमेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक बिल बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट तुरंत 24 आवर्स में आपके अकाउंट में, आपकी ईमेल अकाउंट में आना चाहिए, तो अगर आपका ईमेल अकाउंट अपडेट होगा तो तुरंत आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या ट्रेड हुआ है। तो ये दो दो तीन चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखना चाहिए। और एक चौथी बड़ी बात कि जो भी आप ट्रेडिंग करें वो आप आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जो भी पेमेंट आप करें आपके बैंक अकाउंट से जानी चाहिए और जो भी पेमेंट आए वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट या कैश पेमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। बिल्कुल, शेयर मार्केट में जो ब्रोकर है उसकी जो अहमियत है वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले जी करता है ब्रोकर, तो ब्रोकर चूज करते हुए क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी है? देखिए, ब्रोकर चूज करते हुए ये सावधानी देख सकते हैं कि एक तो वो सेबी रजिस्टर्ड हो, दूसरा वो एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर जो आपका ब्रोकर है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि कई बार गलत प्रैक्टिस की वजह से या फिर पोंजी स्कीम्स की वजह से जो कई जो नकली ब्रोकर होते हैं वो क्लाइंट को फंसा लेते हैं और उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई ब्रोकर चुने तो उनका आप ऑफिस जरूर विजिट करें, आप उनसे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप उनसे जो एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप ले सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इवन आप सेबी के दफ्तर में जाकर भी, सेबी के ऑफिस में जाकर भी उस ब्रोकर के बारे में कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनकी ब्रांचेस कहाँ पर है, जिससे कि आपको एक एक फायदेमंद ब्रोकर मिले और जो ब्रोकर है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिले, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ब्रोकर आपको टकरा जाए जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है और आपका सारा पैसा लेके भाग जाए। तो ध्यान में रहे, जो भी आप ब्रोकर को चुन रहे हैं उसको आप जरूर क्रॉस चेक करें सेबी के ऑफिस में जाकर और एक्सचेंज के ऑफिस में जाके। सर, हम बात कर रहे हैं सेबी की, तो सेबी किस तरह से जो उसके ट्रेडर्स हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं दे रहा है वो, मतलब जो उनके साथ फ्रॉड होते हैं उन केसेस को किस तरह से डील करता है, या फ्रॉड ना हो उसके लिए क्या कुछ वो हमें वो देते हैं, सहूलियत दे रहे हैं? सेबी के ऑफिस में जब भी कोई फ्रॉड होता है या फिर जब भी कोई गलत प्रैक्टिस होती है तो आप उनके ऑफिस में जा सकते हैं, आप अपनी शिकायत जो है सेबी के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत ट्रांजैक्शन हुआ है या आपका कोई ब्रोकर पैसा लेके चला गया है तो आप उसकी कंप्लेंट सेबी में कर सकते हैं। सेबी पूरा इसका ध्यान रखती है और सेबी तुरंत उसके लिए ब्रोकर से जवाबदेही मांगती है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, और सेबी अगर लगता है कि सेबी कुछ गलत हुआ है तो सेबी जरूर उस पर पेनल्टी लगाती है और कहीं ना कहीं क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी क्लाइंट का अगर कुछ एरर हुआ है तो उसका जो रिम्बर्समेंट है वो यहाँ पर हो, अगर जिसको भी पनिशमेंट है अगर ब्रोकर ने गलती करी है तो वो हमेशा से ब्रोकर को यहाँ पर फाइन भी करते हैं और हमेशा से वो डू एंड डोंट्स को यूज भी करते हुए आते हैं, वो हमेशा जागरूकता अभियान भी चलाती है सेबी, साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी सेबी काफ़ी करती है, पूरे हिंदुस्तान में वो काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम करती है फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर। तो कहीं ना कहीं सेबी ने काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे अदा किया है और काफ़ी अदा करती हुई भी आई है कि जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर जागरूक रहें और अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको वो सटीक बना के रखें जिससे कि उनको नुकसान ना हो। और हमेशा से सेबी की गाइडलाइंस भी रही हैं कि आप जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी समझ से, अपनी रिसर्च से, अपने सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल, जो जोखिम है शेयर मार्केट का अनुज जी, उसको कैसे कम किया जाए? शेयर मार्केट का जो जोखिम है वो एक रिसर्च के थ्रू आप कर सकते हैं, किसी के भी कहने पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इवन अगर आप थोड़ी सी इस मार्केट की समझ रखते हैं तो हमारे हिसाब से आपको पहले इस मार्केट को समझना चाहिए, जो उसके बेसिक आइडियाज़ हैं आप उसको समझें, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस कंपनी की पूरी जो डिटेल है, जो उसके वित्तीय डिटेल्स हैं उसको आप ज़रूर समझें, उसके बाद आप उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये सब नॉलेज ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप ये नॉलेज नहीं ले सकते तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है जो कि आपको ये सब डिटेल प्रोवाइड करते हैं, और काफी कंपनीज हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, जो रिसर्च प्रोवाइड करती है, जो कंपनी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है, आप उनको लेकर उनकी रिपोर्ट्स को पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी में आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब चीजें आप जो है सेबी के थ्रू कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा बना सकते हैं। प्रॉपर जानकारी आज हमारे एक्सपर्ट अनुज जी ने आपको बखूबी दी है, आप हमारे स्टूडियो में आए अनुज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर
फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका लाभ देश के बहुत सारे किसान उठा रहे हैं और जो किसान भाई बहन इस योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं उनको हम बताएंगे कि किस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है मत्स्य संपदा योजना। तो देखते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। मछली उत्पादन भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। ये व्यवसाय प्राकृतिक स्तर पर भी होता है और तालाबों में मछली पालकर भी। सभी तरह की मछली कारोबार को मिला लिया जाए तो ये क्षेत्र 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। इनमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी। 2014 से 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि मछली उत्पादन का व्यवसाय 11% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस दौरान मछली उत्पादन में भी 8% की जबरदस्त वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई। 2019-20 के दौरान करीब 150,00,000 टन मछली उत्पादन हुआ था जबकि उससे पिछले साल 13,93,000 टन समुद्री उत्पादन का निर्यात हुआ। भारत से जितना भी कृषि संबंधी निर्यात होता है उसमें 17% मछली या उससे बने उत्पाद होते हैं। इस तरह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक देश है और मछली निर्यात के मामले में भी हम सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं। ये आंकड़े मछली व्यवसाय की शानदार परफॉर्मेंस की ओर इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के सुंदर भविष्य का अंदाजा लगा लिया है, इसलिए वो ज्यादा सुविधाएं देने और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश में लग गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद मछली क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटना और किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। 5 साल तक चलने वाली इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वा कल्चर में लगभग 12,340 करोड़ रुपए और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 7,710 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। उम्मीद है कि इस योजना से मछली पालन की गंभीर कमियों को दूर करके उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही 9% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 70,00,000 टन का अतिरिक्त सालाना उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो 2024-25 तक हर साल 220 टन मछलियों का उत्पादन हो रहा होगा। मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने के साथ साथ मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मछली पालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित हो सकेगा और मजबूत मूल्य श्रृंखला बनाई जा सकेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज दी गई तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने, हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।